धूमधाम से निकाली गई श्री जिनेन्द्र जेब की शोभा यात्रा भक्तों ने की डांडिया बारिश में भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए। पौरी में प्रतिवर्ष की भांति पर्यटन पर्व के समापन के बड़े ही भक्तिभाव से शोभा यात्रा निकाली गई। बड़े मंदिर श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर अतिशय मंदिर में सुबह प्रतिदिनों की भांति श्री जिनेन्द्र देव की अभिषेक और पूजा अर्चना भक्तों द्वारा करने के बाद सुबह से ही बड़े मंदिर जी में चल समारोह की तैयारी जैन समाज पोहरी और आदिनाथ युवा मंडल ने प्रारंभ कर दी। सुबह 9 बजे से ही भक्तों का मंदिर में आना जाना प्रारंभ रहा। 10 बजे बड़े मंदिर जी की रथ यात्रा धूमधाम के साथ प्रारंभ हुई। बड़े मंदिर जी से चल समारोह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। भक्त भक्ति में झूम रहे थे। जगह जगह भक्तों द्वारा श्री जिनेन्द्र जेव की आरती की गई। इसी दौरान सुंदर सुंदर भजनों पर भक्त बारिश में भगवान की भक्ति में झूमते गाज नजर आए। चल समारोह अपने जगह पर पहुंचा। कार्यक्रम स्थल पर भक्तों द्वारा भक्ति नृत्य किया गया। उसके बाद श्री जिनेन्द्र देव के अभिषेक शांति धारा फूल माला महाआरती की बोली लगाई गई, जिसमें कपिल भैया जी के द्वारा जैन द्वारा संचालन किया गया। मेन बाजार में जहां पर युवतियों द्वारा भक्ति नृत्य डांडिया नृत्य किया गया। आदिनाथ भगवान के जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो गया। युवा भी भक्ति नृत्य करते हुए भगवान का जयकारा लगा रहे थे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पोहरी में आज जुलूस निकाला गया है, क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या कुछ कार्यक्रम थे? जय जिनेन्द्र उत्तम समा। आज दस लक्षण महापर्व हमारे चल रहे थे, जो कि कल दिनांक 17 को समाप्त हो 17 सितंबर को समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद श्री जी का जुलूस यात्रा निकाली जाती है। पूरे नगर भ्रमण के बाद जुलूस यात्रा को छोटे मंदिर और पूरे चौराहे से ले जाते हुए और वापस छोटे बड़े मंदिर ये किले के अंदर श्री आदिनाथ जिनेन्द्र पर लाते हैं। यहाँ पर श्री जी का अभिषेक होता है और उनका अभिषेक के बाद उनको तुरंत हम वापस वेदी में विराजमान कर देते हैं। नगर भ्रमण ये पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसमें सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से सभी शामिल होते हैं और ये बहुत अच्छा पर्व है। और आज के दिन हम लोग क्षमा वाणी पर्व भी मनाते हैं, जिसमें हम लोग सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं और सबको क्षमा करते हैं। ये आज के दिन का हमारा क्षमा वाणी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है।